हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं हूं मंजू नेगी, भगवान बद्री विशाल के पावन भूमि चमोली गढ़वाल से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहाड़ों के इन खूबसूरत वादियों के बीच से आज का एक और नया ब्लॉग। अब इस वक्त करीब 8:30 हो चुकी है, तो आज के दिन की शुरुआत भी हो गई। मौसम की बात करें तो आज भी यहाँ पर अच्छी सी धूप खिली हुई है और चारों तरफ बादल भी छाए हुए हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत भी खेतों से हो रही। तो यहाँ पे मैं आ रखी हूँ रेस की दाल निकालने के लिए। तो आजकल हमारे यहाँ रेस की दाल भी पक चुकी है, तो यहाँ पे मैं आज उसी दाल को निकालने आ रखी हूँ। देखती हूँ हमारा भी पक गया है या नहीं, क्योंकि लोग तो इनको निकालने लग गए हैं। तो आज मैं भी आ रखी हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमने बो रखा है मंडुआ और उसके साथ में रेंस की दाल, और नीचे साइड और ऊपर साइड हमने यहाँ पे राजमा बो रखे हैं। तो हमारे इधर ज़्यादातर ना मिक्स खेती की जाती है, तो यहाँ पे हमने मंडुआ और नीचे साइड राजमा, साथ में यहाँ पे दाल, ये है रेंस की दाल। कुछ पक रखे हैं और कुछ कच्चे हैं अभी। तो पता, मैं ना कन्फ्यूज में हूँ कि क्या करूँ मैं, क्योंकि जो ये रेंस की बेल है ना यहाँ पे कुछ यानी उतने ही इस पे पक रखे हैं और उतने ही यहाँ पे कच्चे हो रखे हैं। तो आज तो मम्मी भी है नहीं, तो देखती हूँ जो अच्छी तरह से पक गए होंगे उनको निकालूंगी, बाकी रहने देती। तो फटाफट से मैं ना इनको निकाल देती हूँ, क्योंकि धूप ही ना बहुत तेज़ की लग रही, इतनी आफत आ रही आजकल ना। और पीछे से ये है हमारा गाँव, तो मैं आज गाँव के ऊपर साइड आ रखी हूँ। तो यहाँ से आप लोगों को गाँव का नज़ारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, मस्त सा प्यारा सा। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, तब तक मैं अपना रेंस निकालती हूँ और आप लोग करिए हमारे छोटे से प्यारे से गांव को इंजॉय और हमारे प्यारे प्यारे खेतों को, जिनमें कि मंडवा रेंस की दाल वगैरह वगैरह। तो चलिए फटाफट से मैं इनको निकाल देती हूँ और आप लोगों को मिलूँगी मैं थोड़ी देर में। यहाँ पे अभी मैंने जितने भी ये दाल पके हुए थे वो निकाल दिए हैं और अभी मैंने इसके लगाने हैं भारी। बाकी तो जो कच्चे हो रखे हैं अभी वो तो वैसे रहने दे रखा है, तो उनको बाद में निकाल लेंगे। तो फटाफट से मैं अब इनकी भारी लगा देती हूँ। अभी यहाँ पे भारी भी लगा दी है, तो ये भारी मैंने एकदम लगा के तैयार कर दिया। और अभी मुझे याद आई कि मैंने एक बोतल पे पानी ला रखा, तो सबसे पहले पानी पी लेते हैं, क्योंकि ना धूप से हालत ख़राब हो गई और वैसे ही पसीने से लथपथ हो गए हैं। आजकल ना बहुत ख़तरनाक की धूप पड़ती है। और यहाँ ठंडे में रखी है मैंने पानी की बोतल, ये भूल गई थी मैं इसको, अभी मुझे याद आ गई, तो फटाफट से पी लेते हैं। पानी भी पी लिया है और पानी पी के एकदम मज़ा आ गया। तो ये पानी ना एकदम ठंडा हो रखा था, मैंने यहाँ पे इनके बीच में रखा था और नीचे से ना मिट्टी ठंडी होगी, तो ये एकदम ठंडा हो रखा था, पी के मज़ा ही आ गया। और अब फटाफट से घर चलते हैं, क्योंकि आज मम्मी भी नहीं है घर पे, पापा भी नहीं है, पापा भी कहीं जा रखे, और घर में सिर्फ मैं हूँ। तो मुझे ना सब कुछ देखना है, घर का भी, फिर गाय को भी, और आज हमारी बंदरबारी भी है, तो क्या पता दिन में बंदर आ जाए। तो मुझे ना बंदरों को हांकने भी जाना होगा, फिर अपने लिए जो जो के लिए खाना भी बनाना। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और आप लोगों को मिलती हूँ मैं सीधा घर पर। पहुंच गई हूं और यहां पे आप लोग देख सकते हैं पसीने से हालत ख़राब हो गई है। और जैसे मैं यहां पाई, यहां पे देखा जो जो देखो वहां पे सो रखा
वहाँ पे ठंडा हो रखा एकदम, और जो आज सुबह से वहीं पे लेटा हुआ है, और उसने ना आज मुझे भी नहीं देखा जाते हुए, और पापा को भी नहीं देखा होगा, तो आराम से वहीं पे लेटा हुआ है। जो 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 ओ कष्ट नहीं करना है बेचारा, तो आज मजे से वहीं पे लेटा हुआ है। और मैंने अभी ये छानना है और उसके बाद बनाऊंगी खाना, और सबसे पहले हाथ मुँह धो लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नए दिन के नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड। बादलों के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में।